इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुरहानपुर के आलमगंज क्षेत्र के अंदर और देखिए किस तरीके से जो है आग लगी है। मौके पे दमकल की टीम पहुंची है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, आवाज भी आप सुन रहे हैं। मौके पे देखिए दमकल पहुंचा है, आपको कभी तस्वीरों में दिख रहा होगा तो ये देखिए दमकल पहुंचा है आपको यहाँ पे देख रखे हैं लाल कलर की। उसके बाद में आप जो है मौके पे दमकल की टीम पहुंच चुकी है, दो थाना क्षेत्रों की पुलिस यहाँ पे पहुंची है, काफी ज्यादा भीड़ इलाके की यहाँ पे इकट्ठा हो गई है आग को देखने के लिए। और आग इतनी खतरनाक है कि जितनी भी जो है पूरा लोहे का ये पंडाल था, गोडाउन था, और उसके जो साइजिंग के पूरे जो जितने भी जो ये पत्रे लगे थे पूरे पिघल चुके हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं मेरी तस्वीरों के अंदर। हम आपको बीएन सीरीज एक्सक्लूसिव आपके लिए यहाँ पे पहुँचा है तस्वीर दिखाने के लिए। और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है स्थानीय यहाँ के जो रहवासी है वो भी यहाँ से दूर चले गए हैं, और वो भी यहाँ से जो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके हाथ में भी कोई जनहानि ना हो। क्योंकि इससे पहले जब यहाँ पर आग लगी थी तो आग के दौरान जो है कई लोगों के जो शीशे थे, कांच थे, टावर थे, वो फूट चुके थे। आज भी ऐसी कुछ तस्वीर है आप देख रहे हैं किस तरीके से, आपको मैं लगातार ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। स्थानीय लोग यहाँ से अपने जो सिलेंडर है, जितने भी तरह के जो ऐसे उपकरण है जो जल सकते हैं, भड़क सकते हैं, उनको दूर यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मौके पर पुलिस मौजूद है दो थाना क्षेत्रों की, और स्थानीय भीड़ भी यहाँ पर जो है इकट्ठा हो चुकी है। लोग यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद में आपको बता दें लगातार ऐसे जो है जिला प्रशासन से यही उम्मीद है, क्योंकि दिवाली का दूसरा दिन है, आग का कारण अज्ञात है और लाखों रुपये का नुकसान होने का यहाँ पर अंदेशा दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आग लगी है वो आग को बताना, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने ग्राउंड जीरो से आपको बताया था और बीएनसी न्यूज़ भी तब भी पहले ही कैमरा था जो कि ग्राउंड जीरो पे पहुंचा था। और आप देख रहे हैं पिछले दिनों जो आग लगी थी उससे भी ज़्यादा भीषण आग इस बार जो है दिख रही है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है स्थानीय जो लोग हैं वो भीड़ हो गई है उनकी, और जो है उनको सबको दूर रखा गया है। वही खास अपडेट हम आपको देंगे, इस क्षेत्र की पूरी तरीके से एमपीबी ने लाइन बंद कर दी है ताकि कोई जनहानि ना हो। जितनी भी बिजली है यहाँ की गुल हो चुकी है, और आप देख रहे हैं हम भी जो है कैमरा लाइट के अंदर जो है शूट कर रहे हैं एक विंडिंग के ऊपर से, और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी और अपडेट के लिए आप बने रहे बीएनसी न्यूज़ के साथ। और एक तस्वीर और हम आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए मौके पर जो है पुलिस पहुँची है, और आप देख रहे हैं पुलिस ने जो है दंगल ने अपना जो है काम शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीम भी लगभग पहुंच चुकी है, क्योंकि मैं ऊपर से शूट कर रहा हूं आप देख रहे हैं, लेकिन आग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहां पे देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश अज़हर खान, बीएनसी मीडिया, बुरहानपुर। तो देखिए इस वक्त की एक और तस्वीर सामने आ चुकी है, दमकल की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया, और तस्वीरें देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी दमकल की टीम पहुंची थी उसने अपना काम शुरू कर दिया है, आग बुझाने की पूरी कोशिश जो है यहाँ पर जारी है। मैं आपको तस्वीरें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए दमकल की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है, और देखिए पानी से आग बुझाई जा रही है। ये देखिए आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, ये पानी से नगर निगम की टीम ने, दमकल की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और आग की जो है बुझना चालू हो गई है, और लूके भी अब जो है ले रही है। आगे भी तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।